नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल। और आज का ये वीडियो है सिंह राशि के लिए सितंबर 2018 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान करके आगे बढ़ते हैं। जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड्स। राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के लिए आज का ये वीडियो है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 5 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि सिंह है और ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 15 अगस्त से लेके 14 सितंबर के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य आपकी कुंडली में 5 नंबर के अंदर लिखा है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों सिंह राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले आप समझ लें कि आपकी राशि क्या है। यदि आपकी राशि सिंह है तो आपकी राशि क्या है ये आप जरा समझ लीजिए, उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी देते हैं। तो 5 नंबर की राशि सिंह राशि है और इस राशि के ये राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है, फायरिंग इफेक्ट वाली राशि है, आग उबलने वाली राशि है, अग्नि तत्व यानी आग। तो ये राशि के अंदर जन्मे हुए जो भी जातक हैं ये शॉर्ट टेम्पर नेचर वाले देखे जाते हैं और राशि जो है वो पूर्व दिशा की मालिक है। इस राशि के अधिपति ग्रह सूर्य, इस राशि के मालिक सूर्य हैं तो बेशक सूर्य का इफेक्ट जो है इसके अंदर तो आएगा ही, क्योंकि सूर्य भी एक उग्र ग्रह है और राशि भी अग्नि तत्व की है। तो ये जातक जो सिंह राशि वाले होते हैं इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा आदर सम्मान अच्छा लगता है, वैसे तो हर किसी को अच्छा लगता है लेकिन ये बहुत स्वमानी होते हैं सिंह राशि वाले। जो भी जातक होते हैं स्वमान इनका गंवाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है और राशि के मालिक सूर्य है, राशि अग्नि तत्व की राशि है, फायरिंग इफेक्ट वाली राशि है। इस राशि के अंदर जन्मे हुए जो भी जातक हैं इनके नाम अक्सर आएंगे म एवं ट के ऊपर से, पूर्व दिशा की मालिक है। इस राशि के अंदर नक्षत्र किस प्रकार है वो भी अभी बता देते हैं आपको। तो मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण, ऐसे मिला के सिंह राशि बनती है। और सिंह राशि में जन्मे हुए जो भी जातक हैं बहुत स्वमानी होते हैं, उनको अपनी इज्जत अपनी आबरू की बहुत परवाह रहती है। और ये सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं इनको सरकार से भी लाभ होने की संभावना रहती है, ऐसे जातक गवर्नमेंट से भी कनेक्टेड हुए होते हुए देखे जाते हैं। आज का ये वीडियो है सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो सर्वप्रथम बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। ये प्रेडिक्शन जो हमारा है वो नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन है, नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन राशि प्रेडिक्शन से कोई अलग नहीं है। किसी किसी को जो मित्र जो देख रहे हैं प्रेडिक्शन देख रहे हैं यूट्यूब मीडिया के माध्यम से, तो उनको शायद ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि नक्षत्र प्रेडिक्शन और राशि प्रेडिक्शन क्या अलग है। तो ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नक्षत्र जो है वो राशि के अंदर ही आते हैं और हर ग्रह जो नक्षत्र में होता है उस हिसाब से वो फल लेता है। तो राशि से ये जो प्रेडिक्शन है नक्षत्र का थोड़ा सा माइनट कैलकुलेशन है और ज़्यादा सत्य के करीब होता है। तो बात करते हैं आपके प्रेडिक्शन के बारे में, सूर्य ग्रह के बारे में। आपके राशि के अधिपति ग्रह सूर्य है और आपकी राशि के अंदर ही चल रहे हैं। 17 सितंबर 2018 तक आपकी राशि के अंदर चलने वाले सूर्य आपके अग्नि तत्व में वृद्धि करने वाले बनेंगे। आपके माइंड के अंदर आग 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 हो सकता है, फायरिंग इफेक्ट बढ़ सकता है, आपको गुस्सा बहुत आएगा, टेम्परनेस आपका बहुत बढ़ेगा। और ऐसी परिस्थिति के अंदर आपके जो ये टेम्परनेस के जो भोग बनेंगे ये शायद आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप हैं तो वो लोग आपके अग्नि आग का मतलब फायरिंग इफेक्ट का भोग बन सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है, ज़्यादा टेम्परनेस आपका ना बढ़ जाए उसका खास कर करना होगा।
और ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आप अपनी हेल्थ के बारे में भी आपको विशेष केयर करना होगा, क्योंकि जब सूर्य माइंड के अंदर चलते हैं तो टेम्परनेस आपका डेफिनेटली बढ़ने वाला है, और ये टेम्परनेस पर आपको कंट्रोल करना होगा 17 सितंबर 2018 तक। 17 सितंबर 2018 के बाद सूर्य चलेंगे राशि से दूसरे स्थान के अंदर, धन स्थान के अंदर। तो धन स्थान के अंदर भी सूर्य ग्रह का जो फल है वो ज़्यादा तो शुभ नहीं होगा, क्योंकि माइंड में से निकलकर सूर्य चलेंगे मुख स्थान के अंदर, वाणी के स्थान के अंदर, तो यहाँ पर भी आग उबलना निश्चित है। तो जिसके चलते हुए खास करके आपको फैमिली के अंदर, आपके इन लॉज के साथ, ये सभी जगह पे आपको रिलेशनशिप में केयर करना होगा, अपने आँखों का भी विशेष केयर करना होगा, और ख़ास करके वाणी में ज़्यादा संयम बरतें। ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर के अंदर आपको बेनिफिट मिले, लेकिन वाणी में उग्रता होने के कारण फैमिली मेंबर्स के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। सूर्य का नक्षत्र फल क्या रहेगा तो उसके बारे में भी जानते हैं। तो 13 सितंबर 2018 तक सूर्य पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चलेंगे। सूर्य एक नक्षत्र के अंदर 13 दिन चलते हैं, तो 13 सितंबर तक सूर्य चलेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। तो ये पूर्व फाल्गुनी का जो ट्रांजिट है ये सिंह राशि के अंदर मघा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए बहुत शुभ है। तो मघा नक्षत्र में जो भी जातक का जन्म हुआ है, इनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है, इनके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, अपने फादर से लाभ मिल सकता है, सरकार से लाभ मिल सकता है, आपको अपने पार्टनर की ओर से लाभ मिल सकता है। और 13 सितंबर से 26 सितंबर सूर्य चलेंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। हालांकि 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे कन्या राशि में, लेकिन ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो 13 दिन का ट्रांजिट है ये सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। इनके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, इनकम में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, सरकार से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, अपने फैमिली मेंबर्स की ओर से लाभ होता है, आपको नए वेंचर से लाभ होता है, तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। और 26 सितंबर 2018 को सूर्य चलेंगे हस्त नक्षत्र में। वंस अगेन 13 दिन का जो पीरियड है वो सिंह राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ज़्यादा शुभ रहेगा, और उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो ये जो कैलकुलेशन है ये नक्षत्र बेस्ड कैलकुलेशन है, और ये बहुत सत्य के करीब प्रेडिक्शन है। आप इफ़ेक्ट महसूस करिए, और आने वाले समय के अंदर आप इफ़ेक्ट महसूस करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको प्रेडिक्शन कैसा लगा। और यदि आप जानते हैं कि आपके को सिंह राशि वाले कोई मित्र हैं तो ये प्रेडिक्शन आपको ज़रूर शेयर करें। प्रेडिक्शन में अभी बाकी है हर ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो सूर्य ग्रह के अलावा सूर्य का प्रेडिक्शन आपके लिए इसलिए महत्व का है कि सूर्य आपके राशि के अधिपति हैं, और सूर्य जो है वो मेन ग्रह है, ग्रह मंडल के राजा ग्रह हैं। तो बेशक इसका इफेक्ट आपकी राशि के ऊपर नहीं, सब राशि के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे गुरु एवं शुक्र ग्रह के बारे में। तो गुरु शुक्र का जो ट्रांजिट है आपकी राशि से तीसरे स्थान के अंदर है। तीसरे स्थान के अंदर गुरु आपके लिए बहुत शुभ है, शुक्र भी साथ में है, पराक्रम स्थान के अंदर है। गुरु का जो दृष्टि है वो आपके सप्तम स्थान के अंदर है। तो जो भी जातक अविवाहित हैं इनको विवाह के योग करने वाले बनेंगे, भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे, और लाभ स्थान में दृष्टि होने के कारण मित्रों से लाभ करने वाले बनेंगे। तो गुरु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है। शनि आपके पंचम स्थान के अंदर चल रहे हैं, जिसके कारण संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन हो सकता है। यदि आप शेयर बाजार के व्यवसाय से कनेक्टेड हो तो आपको थोड़ा सा लॉसेस आने की संभावना है। मंगल केतु आपके छठवें स्थान में है और राहु बारहवें स्थान में है। राहु बारहवें स्थान के अंदर फल शुभ नहीं है। खर्च आपके बढ़ सकते हैं, आकस्मिक खर्च आ सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं, तो ये प्रकार के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। और
वैसे मंगल छठवें स्थान में रोग शत्रु पर विजय देने वाला बनेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो मंथ है आपके लिए ओवरऑल तो शुभ है, लेकिन खास करके आपको अपने टेम्परनेस पर कंट्रोल करना होगा। 17 सितंबर 2018 तक बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो राशि से 12वें स्थान के अंदर है। 2 सितंबर को बुध आपकी राशि के अंदर आ जाते हैं और 2 सितंबर से 18 सितंबर बुध चलेंगे आपकी राशि के अंदर, जिसके चलते हुए यहाँ पर आपकी राशि के अंदर चंद्र बुध का तरंग योग बनता है। तो ऐसी वाइब्रेंट परिस्थिति के अंदर माइंड की लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। 18 सितंबर से बुध चलेंगे आपकी राशि से दूसरे स्थान के अंदर, धन स्थान के अंदर, तो बुध आपके लिए शुभ बनेंगे, वाणी से धन प्राप्ति करवाएंगे। लेकिन जैसे पहले ही बताया कि आपको 17 सितंबर को आपके जो सूर्य हैं आपके धन स्थान के अंदर चल पड़ेंगे, तो जिसके चलते हुए आपको वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके अपने कुटुंब के अंदर। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आप अपना माइंड कूल रखें, टेम्परनेस पर कंट्रोल करें, तो आपके लिए समय शुभ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खर्च थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, खर्च आपका बढ़ सकता है मंगल की दृष्टि 12वें स्थान में होने के कारण। और वैसे आपके लिए समय शुभ है, नए साहस कर सकते हैं, नए साहस से आपको लाभ रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन भी दबाएं। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। ऐसे ही देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस। आप जहाँ भी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ऐसी हार्दिक शुभकामना के साथ नरेश एस्ट्रोलॉजर का जय गणेश।